डबल ट्रिपल चौपल कमाता हूँ यार, यहाँ तक इतना कमाता हूँ कि मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ हर महीने, मगर वो जो भगवान ऐसा दिन कभी किसी को नहीं दिखाना कि जिसके लिए घर में तो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर, 1000 यस, तो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड, 1000 सब्सक्राइबर, इतनी मेहनत करने के बाद में और इतनी डेडिकेशन के बाद में मेरी जर्नी कुछ इस तरह रही, 1000 सब्सक्राइबर आई हैव कंप्लीटेड, थैंक यू, वर्ड भी बहुत कम है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास है, एकदम मेरे दिल के करीब है। मैंने किस तरह से अपना 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मुझे पता है। आधे से ज़्यादा जो मेरी जर्नी रही है ना, मैंने बहुत ज़्यादा सही में यूट्यूब का कुछ भी नॉलेज ना होने की वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। आई नो कि लोग यहाँ पर 1 महीने और 2 महीने में कंप्लीट करते हैं, मगर मुझे पूरे कंटिन्यूस वीडियो डालते एक साल से ऊपर हो गए तो जाके मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। मैं एक्चुअली, मुझे मेरा निश नहीं मिल पा रहा था, मुझे मेरी राइट ऑडियंस नहीं मिल पा रही थी, मुझे मेरे लोग नहीं मिल पा रहे थे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया 1000 सब्सक्राइबर करने में। मगर कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा, आप धीरे धीरे चलते रहो, आपकी मंजिल आपके पास में ज़रूर मिल जाएगी। मैं इतना खुश हूँ। आप उससे पहले, खुशी से पहले, मेरे कुछ फैमिली वाले और मेरी मम्मी ने और मेरी सिस्टर्स ने, मेरी वाइफ ने मुझे ना विश किया है, तो पहले ये देख लीजिए, फिर आपको अंदाजा ही नहीं आ रहा है, आप वीडियो देख। थैंक यू थैंक यू सो मच दिल से, वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू नीलम, थैंक यू छोटा बाबू, कांग्रेचुलेशन फॉर 1000, थैंक यू मम्मी, थैंक यू गौरी, थैंक यू, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भाई। Hey, today I'm so happy. Thank you so much, my all friends. 1K complete करने के लिए. Thank you so much. Congratulations, आपका 1000 complete होने के लिए. Thank you, my all friends. Thank you so much. Congratulations for 1K subscribers. Thank you, Aarti. Congratulations to Thank you, Vinod. For your 1000 subscriber. Grow your dream and fulfill your life. Thank you. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से मेरी जर्नी रही, क्या क्या दिक्कत हुई, मगर ये थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो आपको देखेंगे। दोनों कानों में एयरफोन लगा लेना, जो उसका बीट है, जो उसका जर्नी का, कैसे बताऊं, जो उस जर्नी का सॉन्ग है, दोनों कानों में लगा के हेडफोन सुनना, तो यू कैन फील द दैट मोटिवेशन कि आप 0 से लेकर 1000 सब्सक्राइबर या आगे चल के कितने भी सब्सक्राइबर आप गेन कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ चाहिए वो ज़रूर मिलेगा अगर आप कंटिन्यू और पूरी मेहनत के साथ में लगातार काम करते रहेंगे। आपको जो चीज़ नहीं आता है आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये 5 मिनट का जर्नी वीडियो, जल्दी से देखो और प्लीज़ स्किप मत करना यार, क्योंकि मेरे बहुत ही डेडिकेशन के साथ में ये वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ में पहुँचे। वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जिसको यूट्यूब करने का सपना है, जिसको आगे बढ़ने का सपना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हे गाइस, बाय, सत श्री अकाल।
जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो अभी भी और आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगेन मम्मी अपने लाइन में बिजी है वो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि बट ओके आई लाइक कि इसका मस्ती मुझको अच्छा लगता है पानी पी दवा खाने का टाइम Thank you.
फाइनली 1000 सब्सक्राइबर। यस, तो फाइनली 1000 सब्सक्राइबर। और मेरी जर्नी भी दिख रहा है। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो देखा, आपको कुछ फील हुआ होगा, आपको कुछ तो ऐसा लगा रहेगा कि यार ये बंदा कर सकता है, इतने टाइम के बाद में मैं क्यों नहीं से कर सकता। एक्चुअली मेरा वीडियो जो स्टार्ट है, जीरो से लेकर 1000 तक का सफ़र, बहुत ही मतलब कैसे मैं बताऊँ, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी दिक्कत आएँ जिसका कोई जवाब नहीं। स्टार्टिंग करता हूँ मैं 2016 में वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आप समझ रहे हैं, 2016 में मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि अगर आप अब YouTube पे देखोगे कि लोग 2016 में वीडियो बनाया है, उनके 2,00,000, 3,00,000 मिलियन में सब्सक्राइबर है और मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए। क्यों? बिकॉज मैं कंसिस्टेंस नहीं था। मैंने 2016 में वीडियो बनाया, एक महीना दो महीना कंटिन्यू बनाया, व्यूज़ नहीं आ रहे, 50 व्यूज़ आ रहा है, 50-100 व्यूज़ आ रहा है, डीमोटिवेट होके बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मेरी गलतियों से सीख लेना यार, बहुत सीखना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे यूट्यूब पे क्या, कहीं पे ज़िंदगी में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर जो काम आप प्यार करते हो, पैशनेट हो, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना। मेरे साथ में हुआ 2016 में, मैंने बाकायदा, क्योंकि मैं मस्कत ओमान में था, मैं वहाँ पे वीडियो बनाया, मगर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, मुझे और बनाना चाहिए था। मैं बोला यार कौन सुनेगा। उस समय मैं मोटिवेशन के वीडियो बहुत देखा करता था, इसीलिए अंदर मोटिवेशन का जोश था कि मैं मोटिवेट करूँगा लोगों को, मगर उसके अंदर आगे तक नहीं टिक पाया। देन मैंने वो क्विट कर दिया, चैनल चालू था मगर 2016 के बाद में वीडियो डालना बंद कर दिया। 2017 गया, 2018 गया, 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरी दुनिया ही पूरी हिल गई, मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया था। अरे बाप रे, वो सबसे दिल दहला देने वाला मोमेंट था कि मुझे कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता था, मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, किस विषय पर बोलूँ, क्योंकि मेरे पास में कुछ करने को ही नहीं था। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने स्टार्ट किया, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर जो तुझे अच्छा लगता है वो करना। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं वीडियो बनाते गया। फिर मैंने अपने फैमिली को इंक्लूड किया, क्योंकि मेरे को पता था कि जो मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ वो कल मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को बड़े हुए देख पाऊंगा, और ये वीडियो में वैसे ही हुआ। और जब मैं एडिट कर रहा था ना, आई वो फील लाइक ही क्राइंग कि मेरे को मेरी छोटी बच्ची धीरे धीरे ग्रो कर रही है। मैंने वो अपने सारे बैड मोमेंट नहीं डाले, क्योंकि मेरे को मेरी वीडियो को स्पॉइल नहीं कर रहा था। हाँ, कुछ एक जगह पर है, मेरी मम्मी थोड़ा सा रोई जब मैं वापस यहाँ पे कुवैत में आ रहा था, तो वाइफ ने रोया, सिस्टर ने रोया, तब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मगर उसके बाद में मैंने 2016 में वीडियो डाला, फिर उसके बाद में 2017-18 एकदम ही बंद हो गया, वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ, क्या है मेरा निश, कुछ भी नहीं। इसके लिए मैंने ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स भी किया, मगर उसके अंदर भी मैं फेल हो गया। मैंने 4000 तो डाले, मगर उसमें सीखने मिला कि आप कंसिस्टेंट रहिए। 4000 बोलते हैं ना, जब आप कहीं चीज़ पे पैसा खर्च करोगे तब आपका दिमाग लगेगा कि यार मैंने पैसा खर्च किया तो मेरे को इसको वसूलना है। अगर आपको जो चीज़ फ्री में मिलती है तो आप उसको ना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। सच में मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैंने ना फ्री की चीज़ों को, जैसे यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में मिलता है, मैंने उसके अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, मगर जहाँ पे मैंने 4000 रुपये डाले और अपनी यूट्यूब जर्नी की ऑनलाइन कोर्स को कंप्लीट किया, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया कि यार मैंने पैसे डाले हैं तो मेरे को सीखना है। तो ये मेरे लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो सही में जाके कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न जरूर मिलेगा, जो कि मुझे आज ही मिल रहा है। थैंक यू, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये 1000 की जर्नी को लेकर। मुझे पता है अभी मेरे लिए एक छोटा सा नंबर है, बट आगे मुझे और सारा अचीव करना है, वो सब आप लोगों की वजह जैसे होगा, और आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देंगे तो सच में मैं बता रहा हूँ मैं और आगे जाऊँगा, मैं यहीं तक नहीं रुकने वाला। अभी तो जस्ट ये शुरुआत है, अभी मंजिल को पाना बाकी है। ये तो एक छोटा सा, मेरा बोलते हैं ना, संदीप महेश्वरी जी ने खुद कहा था, अगर आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट कब बड़ी हो जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, और अपने गोल और ड्रीम के पास में जरूर पहुंच जाओगे। तो वही दिमाग में रखते हुए मैं अपने छोटे छोटे अचीवमेंट को अपने साथ में शेयर कर रहा हूं, और आप लोगों के साथ में बता रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट हुएंगे ना, तो शेयर कर देना उठा के अपने उन फ्रेंड लोगों को जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं। यार, हर बड़े की शुरुआत हर छोटे से होती है, सो दैट इज़ फॉर मी, मेरी शुरुआत छोटे से हो चुकी है। 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत ही डिफिकल्ट था, सच बताऊं
जो 1000 सब्सक्राइबर में है ना उसमें से 200 से ज़्यादा लोग मेरी फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स लोग होंगे, क्योंकि मैंने मेरी जो गलती मेरे ज़िंदगी में की है तुम मत करना अगर यू वांट टू बी क्रिएट अ वीडियो। मैंने क्या किया कि यार मुझे सच बता रहा हूँ, एक महीना जब लॉकडाउन में घर पर बैठा था, मैं क्या करता था, अपनी सारी वीडियोस के अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर के ग्रुप में और अपने रिलेटिव के पास में ना सेंड कर देता था। मुझे पता है वो लोग देखते तो नहीं थे, वो लोग खाली क्लिक करके छोड़ देते थे। इसकी वजह से YouTube को है ना गलत रिस्पॉन्स जाता था और बोलता था कि यार इसकी वीडियो कुछ अच्छी तो नहीं चल रही है, क्योंकि वो लोग देखते ही नहीं थे। मुझे लगता था यार वो लोग देखेंगे, खाली मुझे व्यूज काउंट होता था। मगर ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था, मेरे को नहीं शेयर करना चाहिए था। नाउ मैं किसी के पास में भी शेयर नहीं करता हूँ। एक सिंगल मेरे चैनल पर 1350 सब्सक्राइबर है। मैंने पहले मम्मी के भी चैनल पर, बोलते हैं ना सीख, आप जब तक ठोकर नहीं खाओगे आप कुछ सीख नहीं सकते, वही चीज़ मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के चैनल पे भी हुआ था और मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर मैंने भर भर के कंटिन्यू एक महीना मैंने घर पे बैठा था, उस एक महीने में मैंने सब के जो नहीं जानता था मैं उसके पास में भी लिंक शेयर करने लगा। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरा चैनल उसकी वजह से कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। मैंने शेयर करना बंद हो गया, मैंने खाली स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दिया, भाई मेरा वीडियो है और आप यूट्यूब पे सर्च करिए शशिकांत नाम के, वो आ जाएगा। तो कुछ लोग सर्च करने लगे और सर्च इंजन में धीरे धीरे मेरा चैनल का नाम आने लगा, तो जाके मेरे दिल को थोड़ी सी राहत आई। मैं अपना रोना, मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आना, मैं सब अपनी मम्मी के साथ में शेयर करता था, यार आज ऐसा हो रहा है, क्या करूँ मम्मी ऐसा हो रहा है। मम्मी बोली कुछ मत टेंशन ले, कुछ भी मत ले, लोग देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा ये जो मेमोरी क्रिएट हो रहा है ना, हम लोग एक बार साथ में मिलके बैठेंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब लाफ करेंगे। आज उस वीडियो को सही में, वो 5 मिनट का जो जर्नल वीडियो है ना, मैं देख देख के इतना कभी ऐसा रोना भी आ रहा है और हंसना भी आ रहा है, यार मैं कैसा था और कैसा हूँ। धीरे धीरे मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे मैं और कैमरे के सामने मोर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते जा रहा हूँ। तो ये रही मेरी जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई थी। 2016 के बाद में कुछ ऐसा, 2016 में मैंने वीडियो डाला, 17-18 नहीं डाला बिकॉज ऑफ भाई की वजह से। उसके बाद में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की वजह से मैंने वीडियो डालना बंद किया। फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया, मेरी शादी हुई, मैं और मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली वाले ने मिलकर हमने डिसाइड किया कि अगर घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है तो फिर मम्मी का जो दिमाग है, जो ध्यान है, डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मम्मी भी खुश रहेगी, क्योंकि मम्मी उस समय बीमार पड़ रही थी, बार बार मेरे भाई को याद कर रही थी और वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही बदतर हो जा रहा था। अगर उसी के सामने अगर मैं बोलूँ हेलो दोस्तों कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, और मम्मी का दिमाग ख़राब है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता था, तो फिर मैं अंदर ही अंदर टूटते जा रहा था। मगर हमने जब डिसाइड किया, जब मेरे घर में मेरी बेटी अनन्या आई, ओ माय गॉड, पूरी ज़िंदगी चेंज होने लगी। जैसे कि मैं उस पल को अपने भाई को धीरे धीरे मैं बुलाने लगा, क्योंकि अगर मैं उनको याद करता तो मेरा दिन हमेशा बुराई, मतलब ऐसा पूरा खराब हो जाता था, पूरा रोने जैसा हो जाता था। मगर हमें बोलते हैं ना हर बुरा वक्त गुजर जाता है, तो वैसे वैसे समय बीतते गया और मैं आगे बढ़ते गया, मैं वीडियो पर वीडियो बनाते गया। हाँ मुझे पता है मेरे कुछ फैमिली, मेरे कुछ फ्रेंड्स, वो लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट उठाया, ये क्या करता रहता है, क्यों वीडियो बनाता रहता है, इसको कुछ मिलता है क्या, पैसे मिलते क्या? नहीं जी, पैसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, अभी तो सिंगल रुपया भी नहीं मिला मुझे YouTube की तरफ से, जो भी मैं कमाई कर रहा हूँ। यार एक समय मेरे पास में ऐसा आ गया था कि मैं ना जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता था। बाप रे, अभी भी वो रोना आ रहा है अंदर से। जोमेटो बॉय डिलीवरी का काम करता था सच में बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं 1000 रुपए के लिए तरसता था आज एक दिन का 1000 रुपया हो जाए, बट सब ठीक हो गया, भगवान ने बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आया, कुवैत में। अब मैं उस 1000 रुपये का डबल टिबल कमाता हूँ, डबल टिबल चौपल कमाता हूँ यार। यहाँ तक इतना कमाता हूँ कि मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ हर महीने। मगर वो जो भगवान, ऐसा दिन कभी किसी को नहीं दिखाना कि जिसके लिए घर में जो बड़ा है उसके ऊपर पूरी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। घर का खर्चा, दवाई का खर्चा, फैमिली का खर्चा, वाइफ का खर्चा, बच्चे का खर्चा, और वो कमाने वाला अकेला है और कमाता है 1000 रुपये। 1000 रुपये में वो घर संभालेगा या फिर लोगों को क्या करेगा? इसलिए मैं बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया कि अब मैं, मुझे मेरे पास में पासपोर्ट था,
मेरे पास में पासपोर्ट था, मैं सोचा कि मुझे जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली की ज़रूरतों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। और उस बीच मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो फिर घर की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं 2 साल के लिए यहाँ पे आया। मुझे पता है यहाँ पे जाने के बाद में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपने लाइफ में ढंग का। सॉरी, इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बात कर रहा था मेरे दिमाग में वो सारी तस्वीरें आ रही थी, वो सारे मोमेंट, बैड मोमेंट आ रहे थे कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। कोई नहीं, अब मैं कभी भी पीछे पलट के नहीं देखूंगा और हमेशा आगे बढ़ूंगा। और आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे ना मेरा ब्लॉग वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं रात को 3 बज जाते 4 बज जाते एडिट करते हुए मुझे पता नहीं चलता, मगर अगले दिन जॉब पे भी जाना होता है तो भी मैं ना टायर्ड फील नहीं करता हूँ। यार मैं टायर्ड हो गया, मैं एडिट करके इतना टाइम हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जर्नी है, मेरा लाइफ है, सब कुछ मुझे शेयर करना है, तो मुझे शेयर करना है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई और बैठा नहीं है कि वो तेरे को करके देगा। तो इसकी वजह से मैंने कभी हार नहीं माना है और हर बार वीडियो डाला है, भले से मेरी फैमिली फ्रेंड्स और कोई भी हो, मगर मेरी मम्मा ने, मेरी वाइफ ने, मेरी दीदी ने, ये तीनों लोग ने ना मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरा बैकबोन है। ये लोग ने मुझे सपोर्ट किया है और बोला है तू डाल, तेको जो अच्छा लगता है वो कर। और इसकी वजह से मैंने मेरी बेटी का चैनल खोला है, मेरी वाइफ का चैनल खोला हुआ है और मेरी मम्मी का चैनल खोला है, जिस पे मम्मी के चैनल पे 1350 सब्सक्राइबर है और मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर। आप लोगों ने कर दिया, थैंक यू, 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया। आई नो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, रोक नहीं पा रहा अपने आप को, और थैंक यू सो मच दिल से। तो 18 में वीडियो नहीं पड़ी, 19 में पड़ी, 20 में पड़ी, 21 में पड़ी, अब हमेशा पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी भर पड़ेगी, चाहे कितना भी बुरा से बुरा मोमेंट क्यों ना हो जाए। थोड़े देर के बाद मैं बंद कर दूंगा, मगर बुरा जितना भी उस दिन नहीं करूंगा, मगर उसके अगले दिन जरूर वीडियो बनाऊंगा, अपनी लाइफ को पूरा एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि मैं क्या था, कैसा था, वो मुझे इस 5 मिनट की वीडियो ने मेरे को रुला के रख दिया, झकझोर के रख दिया कि यस मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। अगर हाँ, आप भी नए यूट्यूबर हो, अगर आपको भी वीडियो डालना पसंद है, प्लीज़ नेवर गिव अप, वीडियो डालते रहिए, आज नहीं तो कल वो वीडियो वायरल जाएगी और उससे आप पैसे भी कमाओगे। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं अपनी वीडियो से पैसे कमाऊँ, मेरा ये मकसद था कि जस्ट मैं अपनी मेमोरी को शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंस उसके अंदर घुस जाऊँ और निचोड़ के रख दूँ, क्योंकि बहुत लोग जीरो से हीरो बने। तो यार मेरा भी एक सपना है, मैंने भी ड्रीम देखा है कि मेरे को भी एज ए यूट्यूबर काम करना है, मुझे ना नौकरी नहीं करना है, मुझे काम करना है, अपना काम करना है। मैं 12 घंटे दूसरे के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 12 से 14 घंटा हो रहा है, भले से मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही है, मगर मुझे पता है आगे चलकर मेरी वीडियो से, यूट्यूब से आगे चलकर मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, यहाँ की इसके अंदर मुझे फ्रीडम भी मिलेगा, बट मैं इसके भरोसे नहीं बैठा हूँ। अगर ये कल को बंद हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे जॉब तो करना है, ये मेरा जो स्किल है, मैं होटेलियर हूँ, मैं कहीं पर भी जॉब कर सकता हूँ, मुझे 15,000, 20,000, 18,000, 30,000 की जॉब कहीं पे भी मिल जाएगी। और ये तो मेरा पैशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, थैंक यू ये सब आप लोगों की वजह से। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ शेयर कर देना, और हाँ अगर आप वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, गिव अप मत करना, डालते रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो सर्च करो कि अपनी वीडियो पर कैसे व्यूज़ लाए, क्या वीडियो बनाए। मेरा टॉपिक पहले क्लियर नहीं था, बट मेरा ये क्लियर था कि यार मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं अपना लाइफस्टाइल लोगों को दिखाऊंगा, मैं जहां पे जाऊंगा उनके बारे में बताऊंगा। सो आई एम स्टार्टेड डूइंग दैट वन। अब मैं यहां पे आने के बाद में यहां के बारे में बता रहा हूं, सो पीपल को पसंद आ रहा है। PCC क्या होता है, जिससे बहुत लोगों को सही बोलूँ, एक PCC ये वाला PCC का देख लो, PCC क्या होता है, सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक 36 दिन बाद में उस वीडियो पे 2500 व्यूज मिले, मेरे दिल में लगा यार मेरा निश यही है, मैं यहाँ पे लोगों को बताऊंगा, तो इससे जाके यार मेरे चैनल पे थोड़ी सी व्यूज आने लग गए और इसके चलते 1000 सब्सक्राइबर आई हैव कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच, पूरे दिल से मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मेरे पास में जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन मतलब जेन्युइन जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ आप कभी मत शेयर करना उन लोगों के पास में, वरना तुम्हारी वीडियो को मतलब बोलते हैं ना व्यूज आने के चक्कर में वो व्यूज नहीं आएंगे। और प्लीज़ मत शेयर करना लिंक, क्योंकि वो लोग हैं ना आपकी वीडियो को गिरा देंगे।
कम से कम उन लोगों को शेयर करना, जैसे कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी फैमिली में एटलीस्ट 4 से 5 मिनट वो वीडियो देखे। और थैंक यू, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, अब मेरे पास में सब कुछ है भगवान की दुआ से। आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहूँगा। थैंक यू। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये नाम आ रहा होगा, ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। थैंक यू, कभी हार नहीं मानूंगा, ये वीडियो हमेशा देख लूंगा अगर कभी ऐसा हार मारना हुआ तो। इस ये वीडियो मैंने बनाया क्यों था, आगे बढ़ने के लिए बनाया और आगे बढ़ के रहूंगा अब तो। थैंक यू। इमोशनल हो गया यार ये वीडियो बहुत ज्यादा। माई ऑल फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच 1000 कंप्लीट करवाने के लिए और आपका प्यार देने के लिए। थैंक यू